बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो चैप्टर है वो है इनपुट डिवाइसेस पे, और इनपुट डिवाइसेस में हम पढ़ेंगे कीबोर्ड और माउस को। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कीबोर्ड और माउस को। नेक्स्ट पे चलते हैं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है। सबसे पुराना कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारे पास, पहले ये देखते हैं कि इनपुट है क्या। तो इनपुट वो प्रोसेस है या मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट डेटा इंटर करते हैं। डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकती हैं, ये सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, यानी यूज़र कंप्यूटर को जब डेटा प्रोवाइड करते हैं तो इसको कहते हैं इनपुट। और इनपुटिंग के लिए जिन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो यह चैप्टर हमारे पास है इनपुट डिवाइस के बारे में, और जो प्राइमरी किस्म के इनपुट डिवाइस है तो उस बारे में है। तो इसमें पहले हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड। सबसे पहले हम कीबोर्ड पढ़ेंगे। कीबोर्ड जो है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे कॉमन जो है तकरीबन हर एक कंप्यूटर के साथ होता है, टेबलेट के साथ होता है, कंप्यूटर के साथ होता है, लैपटॉप के साथ होता है। तो इसके थ्रू कीबोर्ड को यूज़ करके, कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। मस्ट बी प्रोफेशन विद कीबोर्ड, यूज़र को कीबोर्ड के साथ प्रोफेशनल होना चाहिए, उसके पास स्किल होनी चाहिए कि कीबोर्ड को वो सही तरीके से यूज़ कर सके। कीबोर्ड को यूज़ करके वो अपना डाटा किसी भी फॉर्म में कंप्यूटर में एंटर कर सके। और जब यूज़र को ये स्किल मिल जाती है, ये महारत उसको हो जाती है कि कीबोर्ड को किस तरह यूज़ करना है, तो इस स्किल को कहते हैं कीबोर्डिंग। कीबोर्डिंग वो स्किल है जिसकी मदद से एक यूज़र मुकम्मल तौर पर कीबोर्ड का एक्सपर्ट हो जाता है कि इसको किस तरह यूज़ करना है। कीबोर्ड जो है फर्स्ट पेरिफेरल, ठीक है, फर्स्ट पेरिफेरल है, यानी पहला डिवाइस है टू यूज़ विद कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के साथ जब इनपुट के लिए पहला इनपुट डिवाइस बना तो वो कीबोर्ड की मदद से यूज़र ने पुराने किस्म के कंप्यूटर में डेटा को इंटर किया। और अब भी सिर्फ यानी कि वक्त के साथ कीबोर्ड ख़त्म हो गया, पहले भी यूज़ होता था और अब भी एज ए प्राइमरी, एज बुनियादी और एज ए ज़रूरी डिवाइस जो है ये कंप्यूटर के साथ यूज़ होता है कि यूज़र इसकी मदद से कंप्यूटर को डेटा दे सके। कीबोर्ड को यूज़ करके हम कंप्यूटर में टेक्स्ट को एंटर करते हैं, नंबर्स को एंटर करते हैं, सिम्बल्स को एंटर करते हैं, ठीक है। एक जो स्टैंडर्ड किस्म कीबोर्ड की बहुत सी सारी टाइप्स है, लेकिन जो उसमें मयारी होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, खासकर IBM किस्म के कीबोर्ड, तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 100 कीज़ होती है। यानी ये कि पूरी कीज़ 100 होती है। हर एक की जो है वो 3 से 4 किस्म का फंक्शन कर सकती है। तो उस फंक्शन की बुनियाद पर कहते हैं कि ये 100 कीज़ है, ठीक है। ईच सेंड अ डिफरेंट सिग्नल टू CPU। हर एक की को जब हम प्रेस करते हैं, जब हर एक कीज़ को हम प्रेस करते हैं तो हर एक की जो है CPU को अपना एक ख़ास किस्म का सिग्नल या कोड भेजती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक को प्रेस कर दिया तो जो यह सिग्नल, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो सिग्नल था या जो कोड था, ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म में होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है, ठीक है, तो CPU की तरफ ये वाला कोड भेजेगी। अगर हमने B को, A को कैपिटल अंदाज में, A कैपिटल को फॉर्म में एंटर किया, तो ये जो सिग्नल भेजेगा CPU को वो इससे कोई मुख्तलिफ हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस किस्म का हो सकता है। तो कीबोर्ड पर जितनी भी कीज़ है वो हर एक की जो है दूसरे से मुख्तलिफ किस्म का सिग्नल या कोड जो है CPU को भेजती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि यह किस किस्म के कोड्स को CPU की तरफ भेजती है। आगे इंशाल्लाह एक चैप्टर में हमारे पास पूरा एक टेबल होगा, उस टेबल में हम देखेंगे कि किस करेक्टर के लिए कौन सा सिग्नल मौजूद है। कीबोर्ड कीज़, मैं ज़रा आगे जाता हूँ उसकी तरफ, दोबारा मैं वापस आऊँगा।
जरा आपको एक कीबोर्ड का व्यू दे दूँ। कीबोर्ड की तरफ हम चलते हैं, यह हमारे पास पूरा कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड पे आप देखें तो बहुत सारी कीज है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारी कीज है। इन कीज को हमने ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंस कोई और होगी, लेकिन मैं यहाँ पे मैं आपको एक सीक्वेंस से लेके चलता हूँ। ये वाले जो पहली कीज है F1 से लेके F12 तक, ये वाली कीज, ठीक है, ये वाली कीज जो है इसको कहते हैं फंक्शन कीज, ठीक है। फंक्शन कीज शॉर्टकट तरीके से कीबोर्ड की मदद से कमांड्स को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इसको यूज करते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम कमांड्स को लिखे टाइप करें तो वो कमांड्स कंप्यूटर को दें, या हम माउस को यूज करके मेन्यूज की मदद से कंप्यूटर को कमांड्स दें, और हमने सिर्फ कीबोर्ड को यूज करना है शॉर्टकट्स की कीज की मदद से कंप्यूटर को कमांड्स देनी है। तो एक तरीका यह भी है कि हम इन फंक्शन कीज को यूज करके कीबोर्ड को इनपुट एंटर करें। फॉर एग्जांपल हमें हेल्प चाहिए, विंडो की हेल्प चाहिए या किसी एप्लीकेशन की हेल्प चाहिए, तो हम क्या करते हैं F1 को प्रेस करते हैं। F1 को प्रेस कर देने से स्क्रीन पे उस विंडो की या एप्लीकेशन की हेल्प वो डिस्प्ले हो जाती है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमने किसी फाइल का नेम चेंज करना है, किसी फोल्डर का नेम चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं F2 को प्रेस करते हैं। तो F2 को प्रेस कर देने से हम किसी भी फाइल का, किसी भी फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हैं। इसके और भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यह पूरी डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट कीज में। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कीबोर्ड का। तो यह फर्स्ट ग्रुप जो है इसको कहते हैं फंक्शन कीज। यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप भी हमारे पास है, ये वाला यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक, ठीक है, ये सारी जो है यहाँ पे अगर देख ले तो ये फंक्शन की के बाद ये दूसरा ग्रुप जो हमारे यहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। और इस नंबर के बटन्स पर अगर आप देख ले तो सिंबल्स भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यहाँ इक्वल साइन है, यहाँ राइट ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड का साइन है, परसेंटेज का साइन है, डॉलर का साइन है, ठीक है, तो बहुत सारे साइंस है। तो हम एट ए टाइम दे अगर इसको देख ले तो नॉर्मल तरीके से अगर हम इस 1 को प्रेस करें तो ये 1 टाइप करेगा, लेकिन अगर हम शिफ्ट को, ये शिफ्ट बटन है, ये वाला ये शिफ्ट बटन है, शिफ्ट बटन को प्रेस करके इसको दबाए तो यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट को 2 के साथ प्रेस करें तो ये स्टार पर स्टार जो है ये टाइप होगा, 2 टाइप नहीं होगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मली प्रेस करते हैं तो 1, 2, 3 इसी तरह ये टाइप होंगे। तो ये ऊपर वाली कीज जो है ये न्यूमेरिक नंबर्स को टाइप करने के लिए है या सिंबल्स को टाइप करने के लिए है। इसके नीचे अगर हम देख ले तो इंग्लिश के बहुत सारे करेक्टर है, ठीक है। तो ये नीचे वाले कीज अगर नॉर्मली प्रेस करें तो ये वाला ए को स्मॉल लेटर में टाइप करेगा। अगर हम इसको शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे, शिफ्ट और ए को एक साथ प्रेस करेंगे तो फिर ये ए जो है ये कैपिटल में टाइप होगा। तो इस पूरी कीज को, इन कीज की इन पोर्शन को, इन ग्रुप को हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है, डिटेल आगे पढ़ेंगे। अल्फा न्यूमेरिक कीज इसको कहते हैं। अब हमारे पास एक तीसरी किस्म की कीज है, ये हमारे पास ये वाला है और ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। ये शिफ्ट बास पे, यहाँ पे शिफ्ट लिखा होता है और बास कीबोर्ड में इसी तरह एरो होता है। ये कंट्रोल की है और ये अल्ट यानी अल्टरनेट की है, ठीक है। अगर हम इस साइड पर देखें तो यहाँ पर भी देखो कंट्रोल की है और अल्ट की है, ठीक है, और शिफ्ट की है, ठीक है। तो इन कीज को हम कहते हैं मॉडिफायर कीज, ठीक है, इन कीज को हम कहते हैं मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज का काम क्या है, एक इनपुट को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर हम ए को प्रेस कर दें तो ये स्मॉल लेटर में ए को टाइप करेगा, अगर हम इसको शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल ए को प्रेस करेगा। तो शिफ्ट को यूज करके जो नॉर्मली इनपुट था उसने इसको चेंज कर दिया, नॉर्मली ये स्मॉल लेटर में
टाइपिंग करता था, इसको अगर शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे तो, यानी शिफ्ट और ए को एक साथ प्रेस करेंगे तो यह फिर कैपिटल में क्या करेगा, टाइप करेगा। इसी तरह ए कंट्रोल है, कंट्रोल कंट्रोल अगर हम ए को नॉर्मली प्रेस करते हैं तो ये स्मॉल ए को टाइप करेगा, लेकिन अगर हम इस ए को कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो जितना भी डॉक्यूमेंट होगा, जितना भी उसमें पेज होंगे, फॉर एग्जांपल एक फाइल है उसमें 50 पेजेस है और 50 पेजेस पर पूरी तरह टेक्स्ट भी है, बहुत कुछ डेटा है, तो अगर हम इस ए उस डॉक्यूमेंट में कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे तो वो 50 सारी 50 पेजेस में जितना भी डेटा है सारे को वो सेलेक्ट कर देगा। इसी तरह अगर हमने एक फाइल बनाई है और कंट्रोल एस को प्रेस करते हैं तो फाइल वो क्या हो जाएगी, सेविंग के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कोई की को कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो कोई एक फंक्शन देगा, अगर वो सिंगली प्रेस करते हैं तो कोई दूसरा फंक्शन देगा। इसी तरह अगर हम अल्ट को, F4 और अल्ट को दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, अल्ट की और F4 की, अल्ट की और F4 को एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एप्लीकेशन होगा वो क्लोज हो जाएगा, अगर विंडो ओपन है तो वो भी क्लोज होने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन कीज को शिफ्ट अल्ट कंट्रोल इनको मॉडिफायर की कीज कहते हैं, और ये इनपुट को इनपुट को चेंज करने के लिए यूज होती है। इसके बाद आते हैं हमारे पास एक दूसरी की है, अगर यहाँ पे देख ले ये वाली, ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, असल में ये दो कीबोर्ड के दोनों जानब क्यों है, यहाँ पर भी कीज, ये तीन चार कीज एक किस्म की है, यहाँ पर भी है, ये क्यों है, यह देखो यहाँ पर शिफ्ट है, यहाँ भी शिफ्ट है, यहाँ भी कंट्रोल विंडो और अल्ट की है, यहाँ पे कंट्रोल विंडो और अल्ट की है, ठीक है, अल्ट और कंट्रोल, ये क्यों है, ये इसलिए है कि इन कीज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारा ये ए को प्रेस, क्यू को प्रेस करना है तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो क्यू की तरफ चला जाएगा, और राइट हैंड से अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि क्यू के साथ हम ए को कंट्रोल को प्रेस करें या अल्ट को प्रेस करें या शिफ्ट को प्रेस करें तो राइट हैंड से हम ये इनमें से कोई की प्रेस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ लेफ्ट हैंड से यहाँ पर भी, यहाँ पे या न्यूमेरिक की भी यहाँ पे या ये फंक्शन की में कोई भी प्रेस कर सकते हैं। तो यह आसानी के लिए कि एक साथ कम्बिनेशन कीज को प्रेस करते हैं, इसलिए कीबोर्ड की दोनों जान इन कीज को रखा गया है। अब अगर इन दो कीज की हम बात करते हैं, ये वाला है और ये वाला है, तो इन कहते हैं विन की, विंडोज की, ठीक है, तो इसको जब हम प्रेस करते हैं तो आंसर विंडो 7 देगा, यहाँ बेस में डाउन लेफ्ट की तरफ स्टार्ट बटन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसमें मेन्यूज एक्टिवेट हो जाती है, तो शॉर्टकट मेन्यूज को और स्टार्ट बटन की में जो मेन्यूज है उसको एक्टिवेट करने के लिए इन विंडोज की इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इस विंडो की और एल को एक साथ प्रेस कर दें, विंडो की और एल को एक साथ प्रेस कर दें तो क्या है, स्क्रीन लॉक हो जाता है, स्क्रीन जब हम दोबारा कंप्यूटर की जानब जाएंगे तो दोबारा कंप्यूटर आपसे पासवर्ड मांगेगा। बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगाया होता है, तो जब वो अचानक उठते हैं और वो चाहते हैं कि मैं जल्दी वापस आऊँगा और कंप्यूटर को भी मुझे ऑफ ना करना पड़े, तो वो क्या करते हैं, स्क्रीन को या कंप्यूटर को लॉक कर दे, कंप्यूटर ऑन होता है लेकिन क्लोज नहीं होता, लेकिन उस पर पासवर्ड का वो टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है कि जब दोबारा इस पर कोई काम करना चाहे तो वो क्या करेगा, पासवर्ड को एंटर करेगा। तो ये विंडो की है और ये एल, इसको आपस में एक साथ प्रेस करेंगे तो स्क्रीन क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, ये वाला कीज का पोर्शन है, इसको कहते हैं एरो कीज, ठीक है, स्क्रीन पर कर्सर को मूवमेंट देने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले आने के लिए, लेफ्ट की तरफ ले जाने के लिए, राइट की तरफ ले जाने के लिए, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम इन कीज का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। यहाँ पे अगर देखे तो ज्यादातर बटन हमारे पास क्या है, नंबर्स है, 1, 2, 3, ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। इस कीपैड को हम बतौर कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख ले तो ये डिवीजन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, प्लस का सिंबल है, ठीक है, तो हम इसको
कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस की हमें ज़रूरत आ जाए तो वो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और की है ये वाली नम लॉक, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब ये हम इसको ऑन कर देते हैं, इसको प्रेस करते हैं, जब ये ऑन हो जाती है तो यहाँ पे क्या है, ये लाइट भी ऑन हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। तो ग्रीन का मतलब है कि इस वक्त ये वाली ये जो की है ये एक्टिव है, ये अपना काम कर रही है। और एक्टिव का मतलब ये है कि इसको एक्टिव कर देने से ये पूरा कीबोर्ड जो है ये काम करेगा। और अगर ये ऑफ है तो ऑफ यहाँ पे लाइट ऑफ मिलेगी, और इसके ऑफ होने का मतलब ये है कि ये पूरा कीबोर्ड जो है फिर ये क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा। फिर जब आप 7 को दबाएंगे, प्रेस करेंगे 7 की को या 8 की को, तो ये टाइप नहीं होगी, इस तरह सिंबल्स भी काम नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ और काम करेगी, फिर जब ये न्यूमेरिक कीपैड ऑफ होगा तो इसके ये एरो कीज पर काम करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर एरो भी है, लेफ्ट एरो है, राइट एरो है, डाउन एरो है और टॉप एरो है। लेकिन जब ये न्यूमेरिक कीपैड ऑन होगा तो फिर इनकी ये सिंबल्स काम करेगी और ये न्यूमेरिक की ये एरो की काम नहीं करेगी। लेकिन जो न्यूमेरिक कीपैड ऑफ होगा तो फिर क्या होगा, इसके ये दूसरे सिंबल जो है, निशाना जो है, ये काम करेंगे और ये नंबर्स वाला सिस्टम इसका ऑफ हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा आपको कीबोर्ड पे व्यू दे दिया। अब ज़रा पढ़ते हैं, ये सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, वन बाय वन इसको पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड कीज, ठीक है, कीबोर्ड कीज के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटेंडेड कीबोर्ड कंटेन एक जो मयारी किस्म का कीबोर्ड होता है, उसमें बहुत सारी कीज होती है। कीज के पहले ग्रुप को हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें करेक्टर ए टू जेड भी होते हैं, और इसमें सिंबल्स भी होते हैं, और इसमें न्यूमेरिक नंबर्स भी होते हैं। एरिया लुक लाइक टाइपराइटर कीज, आपने पुराना वाला टाइपराइटर देखा होगा, ये एरिया भी उसी तरह है। यानी इस एरिया की मदद से हम कंप्यूटर को में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, सिंबल्स एंटर कर सकते हैं, कंप्यूटर को इनपुट कर सकते हैं और नंबर्स को भी इनपुट कर सकते हैं। दूसरा है मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज का काम है, जिस तरह मैंने आपको बताया, शिफ्ट की है इसमें, अल्ट की है इसमें, कंट्रोल की है, और इन सारे ग्रुप को कहते हैं मॉडिफायर की, मॉडिफाई की इनपुट। यानी मॉडिफायर कीज वो कीज है जो इनपुट को मॉडिफाई, इनपुट को चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम कंट्रोल और ए को प्रेस करेंगे तो जितने भी, फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे पास लाइट्स होगी, 10 लाइट्स है, 10 लाइट्स में जितने भी डाटा होगा वो सारे का सारा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिक कीबोर्ड जो राइट हैंड पे था, ठीक है, कीबोर्ड के ये राइट हैंड पे होता है। और न्यूमेरिक कीपैड में हमारे पास क्या चीज़ होती है, 0 से 9 नंबर्स होते हैं, प्लस साइन होता है, माइनस साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, डिवीजन का साइन होता है, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिक कीपैड में होते हैं। न्यूमेरिक लॉक भी मैंने आपको बता दिया कि न्यूमेरिक लॉक को हम एक्टिव कर दें तो ये न्यूमेरिक कीपैड एक्टिव हो जाएगा, ये काम कर सकेगा। अगर हम न्यूमेरिक लॉक ऑफ करेंगे तो फिर ये क्या है, न्यूमेरिक कीपैड जो है वो ऑफ हो जाएगा, फिर इसमें यह सिंबल और ये डिजिट जो है ये फिर काम नहीं करेंगे। तो न्यूमेरिक लॉक की मदद से हम कीपैड को एक्टिव भी कर सकते हैं और इनएक्टिव भी कर सकते हैं। एक्टिव की निशानी ये होगी कि इसके ऊपर जो ग्रीन लाइट है वो ऑन होगी, अगर ये न्यूमेरिक लॉक जो है ये ऑफ होगी तो इसके ऊपर जो ग्रीन लाइट है वो भी ऑफ होगी। इसके बाद चलते हैं दूसरे उस पर, स्लाइड्स पे चलते हैं। फंक्शन कीज, फंक्शन की, जिस तरह मैंने बताया कि कीबोर्ड का जो टॉप कीज था वो F1 से लेके F12 तक, उसको फंक्शन की कहते हैं। और फंक्शन कीज कीबोर्ड से कमांड्स इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि हमें लंबे लंबे कमांड्स को टाइप नहीं करना पड़ता, और हमें माउस की मदद से भी, मेन्यूज की मदद से इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता। यानी फंक्शन कीज की मदद से हम आसानी के साथ अपना इनपुट एंटर कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कर्सर मूवमेंट कीज पर। इस तरह मैंने आपको बताया कि कर्सर मूवमेंट कीज की मदद से हम निहायत आसानी के साथ स्क्रीन पर कर्सर को मूवमेंट दे सकते हैं। लेफ्ट मूवमेंट देना है, राइट मूवमेंट देना है, टॉप मूवमेंट देना है, बॉटम मूवमेंट देना है, तो हम कर्सर कीज की मदद से करते हैं। और आखिर में हमने पढ़ा था एक स्पेशल पर्पज़ की, जो विंडो वाली की थी,
इस तरह मैंने आपको बताया कि इसको जब नॉर्मली प्रेस करते हैं तो कि विंडोज़ के यहाँ नीचे जो स्टार्ट का बटन होता है वो स्टार्ट बटन एक्टिवेट हो जाती है, उसमें जो मेन्यू है वो सामने आ जाती है। इसके अलावा अगर हम कहीं और कपे प्रेस करते हैं तो शॉर्टकट मेन्यू, इस किस्म की शॉर्टकट मेन्यू आ जाती है, और उसमें उस मेन्यूज में मुख्तलिफ कमांड्स होते हैं जिसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि विंडो की को और प्लस जब एल बटन को आपस में प्रेस करेंगे तो स्क्रीन क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे जब आएंगे तो हम फिर दूसरा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कि कीबोर्ड किस तरह काम करता है। ठीक है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम पे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।